वहाँ हमारे जैसे लोग 1370 था और उस पर अपनी बात रखें तो ये दुष्टता। हम सभी आदरणीय रविशंकर बाबू को सुनना चाहते हैं और मैं जब उनके सामने होता हूँ तो मुझे उनके पूज्य पिताजी और मेरे पूज्य अभिभावक स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद बाबू हमारे सामने होते हैं। ठाकुर बाबू का जीवन हम लोगों के सामने है, बहुत कम उम्र में छोटे थे, पिता पुत्र काम कर रहा था, लेकिन हमारे प्रारंभ से छात्र जीवन से उनका नाता हो गया। इस नाते जब भी मैं उनके सामने होता हूं तो उनकी छवि मैं उनमें देखता हूं। उनकी माता जी को आज भी मैं प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। ये हम सब के लिए अत्यंत ही गर्व की बात है। हमेशा लगा मेरे दादाजी स्वर्गीय सरदार साहब बिहार के मुख्यमंत्री थे, पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे और डॉक्टर सहितानंद सिन्हा हमने बताया मुरार के थे। आज जो इतिहास में चर्चा वह अपूर्ण है, वह अधूरा है, उसको पूरा करवा दो। एक अंधेरा एक काला पक्ष है, इतिहास का एक अध्याय है ऐसा जहां जो इतिहासकारों के द्वारा रोशनी इतनी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़ी है। आप उस इतिहास का पुनर्लेखन करवाइए। देशभक्तों को देशद्रोही घोषित किया गया है, नायकों को खलनायक बताया गया है। महाराजा हरि सिंह देशभक्त थे और 1931 में गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में यदि वो महात्मा गांधी के साथ आजादी के पक्ष में हम लोग खड़े नहीं हुए होते, जबकि वो नरेंद्र मंडल के चैंबर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष वर्ल्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र, उसके बाद में एक हाई स्कूल में टीचर, वहां एक अनैतिक मामले के आरोप में एक छात्र के साथ अनैतिक मामले के आरोप में उसकी नौकरी गई थी, उसके ऊपर मुकदमा हुआ था और वैसे व्यक्ति को सीए कश्मीर बनाया गया, वैसे व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये किसने किया? इतिहास इस पर कौन के हैं? इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। कौन दोषी है, किसके कारण 70 वर्षों तक इस दंश को यह देश भोगता, किसके कारण लगभग 7000 लोग अकाल मृत्यु के शिकार हुए, लगभग 15-20 हजार ऐसे लोग शहीद हुए वहां और वहां की लड़ाई लड़ने वाले उस जमाने के लोगों की चर्चा नहीं होती। जब 23-24 अक्टूबर को पाकिस्तान के वो कबाइलों की सेना पहुंच रही थी तो समय समय के लोगों ने लड़ाई की थी, वहां श्रीनगर के हवाई अड्डे को बचाया था। श्री गुरु जी आचार्य जी कृपलानी और मदोक साहब सब ने इस मामले को और वहां राजा तक पहुंचाया। रामचंद्र राठौर उनका प्रधानमंत्री था, अंग्रेजों के साथ मिल गया था, उनकी अंग्रेज पत्नी माउंटबेटन की मिली थी और इसके कारण इस मामले को उजागर कर रखा। महाराजा संजय थे और इस सच्चाई को इतिहासकारों को जिस तरीके से रखना चाहिए था वो नहीं रख पाए हैं, इसलिए खलनायकों की भूमिका में जो रहे हैं उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। इतिहासकारों को उस इतिहास के इस हिस्से पर जितनी रोशनी डालनी चाहिए नहीं डाल